ज्यादा डर गई क्योंकि मुझे 2 साल बहुत मारा इन लोगों ने। हाँ तो बिल्कुल सही सुना आप लोगों ने, आई सपोर्ट दिस लखनऊ गर्ल, क्योंकि YouTube ने मेरा वीडियो हटवा दिया। उस लड़के ने इस लड़की का हड्डी तोड़ दिया, इसका पैर पे दर्द दिया, 2 साल से इनको मार रहा था और इसके ऊपर जो है पुलिस ने एलिगेशन लगा दिया। और क्या बात चाहिए आप लोगों को इस लखनऊ गर्ल को सपोर्ट करने के लिए, इसलिए ही तो मैं सपोर्ट कर रहा हूँ। क्या आपको मजाक लग रहा है क्या, मैं क्या दिमाग से पैदल हूँ जो इसको सपोर्ट करूँगा? टाइटल देख के आ गए तो आ ही गए होंगे, तो आइए मेरे साथ मिल जाइए और आप लोगों को इस वायरल गर्ल की जो इंटरव्यू था उसका कुछ पार्ट दिखा के आप लोगों को इसका सच्चाई जो है उससे परिचय कराते हैं, ठीक है? तो अभी जो है उसका जी न्यूज़ के तरफ से जो फुटेज आया है वो उसके बारे में आज हम बात करेंगे। ये मैडम जो है ना, ये एक सुपर गर्ल है या फिर एवेंजर्स का टीम का कोई लड़की है, क्योंकि मैडम को ये जो ट्रैफिक सिग्नल रेड हुआ था ये नहीं दिखाई दिया था, ये चल पर रहे अपने रास्ते। मतलब ट्रैफिक सिग्नल रेड है ये आपको देखना चाहिए था। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि ट्रैफिक सिग्नल जो था वो रेड था, मतलब यहाँ पर आपको नहीं जाना था, आप गए, ये आपका गलती, कैब ड्राइवर की कोई गलती नहीं था। एक गाड़ी आ रही है जिसमें लाइट्स मॉडिफाइड है और वो बस मुझे उड़ाने वाली, क्लोज आ चुकी थी। एक तो उसने सिग्नल तोड़ा, दूसरा उसने ट्रैफिक रूल्स को वायलेट। हाँ हाँ, क्या क्या क्या, ट्रैफिक रूल्स और ट्रैफिक वायलेशन। तो उसने सिग्नल तोड़ा, दूसरा उसने ट्रैफिक रूल्स को वायलेट किया। ये दोनों अलग अलग होते हैं क्या? ट्रैफिक रूल्स और ट्रैफिक वायलेशन एक ही बात है, और अगर उसने ट्रैफिक वायलेशन किया होगा तो ये आपका जिम्मेदारी नहीं है, ये ट्रैफिक पुलिस का जिम्मेदारी है। या फिर आप एक काम कर सकते थे, उसका गाड़ी का नंबर नोट कर देते और उसको जो है पुलिस में रिपोर्ट कर देते, उसके बाद जो है सीसीटीवी फुटेज देख के पुलिस ने अपना काम कर दिया होता। लेकिन भरे बाजार में 22 थप्पड़ मारने का कोई ज़रूरत और कोई हक इंडिया में किसी भी लड़का लड़की किसी को भी नहीं मिला है अभी तक। वो मुझे हिट करने वाली थी और बहुत क्लोज आ चुकी थी एकदम। हिट करने वाली थी की तो नहीं ना, मैं ओलंपिक में जीत रहा था, जीती तो नहीं ना। अगर मैं बिटकॉइन में पैसा लगा देता तो आज मैं मिलियनरी होता, लगाई नहीं ना। इसमें फर्क है, फर्क को थोड़ा समझिए, उसके बाद जो है ये जो इंटरव्यू है यहाँ पर एक्टिंग कीजिए, ठीक है? ये जो वीडियो आया है इससे पहले वहाँ पर हम देख सकते हैं कि गलती किसका था, ठीक है, किसका था, थी नहीं था। मैं इतना ज्यादा डर गई क्योंकि मुझे 2 साल बहुत मारा इन लोगों ने। क्या 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 क्या, 2 साल से मार रहा था, लेकिन हमारा जो वीडियो आया वो तो एक दिन का ही था। और यहाँ पर आप क्या बोलना चाहते कि वो कैब ड्राइवर आपसे रोज मिलता था? वो देखिए, तबा तबा तबा, सारा मूड खराब कर दिया सर। वो पूरे सबको लेके आया था और मतलब पूरी मॉब ने मुझे मारा है 300 मीटर। ये 300 मीटर का लॉजिक क्या है? ये क्या आप कल ओलंपिक देख रहे थे? यहाँ पर रेस चल रहा है, यहाँ पर रेस नहीं चल रहा है, यहाँ पर चल रहा है एक सीरियस बातचीत जो आपने स्टार्ट किया 22 थप्पड़ मार के, ठीक है? यहाँ पर आप भूल मत जाइए, वो जो वीडियो था कहीं पर भी एक भी वीडियो नहीं आया था जहाँ पर कि उस लड़के ने आपको हिट किया था। मैं सैल्यूट करती हूँ उस लड़के का माँ बाप को जिसने उसको सही शिक्षा दिया कि कोई लड़की के ऊपर हाथ नहीं उठाना चाहिए, इसलिए उस लड़के ने जो है आपको टच भी नहीं किया, ठीक है? इतने लोग थे क्योंकि कैब ड्राइवर तो अकेला था, उसके साथ भी लोग थे जिन्होंने आपको मारा, ऐसा आप कह रहे हैं? साथ कम से कम 100 लोग होंगे जिसने मुझे मारा है और वो मुझे लथेड़ते हुए मारते हुए 300 मीटर लेके गए। और आप जो 100 लोगों की बात कर रहे थे ना, वो सब लोग देख रहे थे कि आप एक लड़के को मार रहे थे, और वो जो लोग है ना, जब उसके साथ भी ऐसा कुछ होगा के बाद जो है उन लोगों का दिमाग खुलेगा, ठीक है? और आप जो है ये ओलंपिक का ये जो 300 मीटर का रेस है ना, उसका सपना देखना बंद कर दीजिए। टीवी तोड़ दी थी सर ये वाली। ओहो, आपका हड्डी टूट गया ना, तो क्या आप वेस्ट बंगाल आए थे मतलब हॉस्पिटल के लिए? क्योंकि एक ही दिन में आपका हाथ जो ठीक हो गया, कहीं पर बैंडेज तो मुझे दिखाई नहीं दे रहा है। मतलब आप एक्टिंग कर रहे हैं ना और कुछ बात बोल रहे, तो उसको लॉजिक से बोलिए, क्योंकि एक दिन में ना आपकी हाथ ठीक हो सकती है, कहीं पर भी नहीं। कुछ ये लोग हैं यहाँ पे, जब भी मैं निकलती हूँ आवारा टाइप के लड़के हैं,
तो जब ये मैं निकलती हूँ वॉक पे या रनिंग पे के लिए, क्योंकि मैं एक पेशेंट हूँ, मेरे पास बहुत सारी रिपोर्ट्स हैं। देखिए हाँ, तो आपका कॉलोनी का जो लड़का था वहाँ पर के कैब ड्राइवर था, नहीं था ना? तो इस बात से कोई मिल बैठ रहा है? इस वीडियो में आप जो इंटरव्यू दे रहे हैं, कोई मिल नहीं बैठ रहा है। तो आप ऐसा उलट पलट बात मत कीजिए। आपको अगर आपके कॉलोनी के लड़के मार रहा है या फिर आपको कॉलोनी के लड़के आपको डिस्टर्ब कर रहा है, तो उसको जाके मारिए, ना ही कि उस कैब ड्राइवर को, ठीक है? और हाँ, आपका जो दिमागी संतुलन हिला हुआ है वो हम लोगों को पहले से ही पता चल गया जब ही ये वीडियो वायरल हुआ था। तो आप एक काम कीजिए, रांची का जो हॉस्पिटल है वहाँ पर जाइए। अगर कॉन्टैक्ट नंबर नहीं है तो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप यहाँ से नोट कर लीजिए। अगर मेरी बैड बॉय की इमेज दिखाते हो और सामने वाली की अच्छी इमेज दिखाते हो, तो ये चोटें जो बता रही हैं, ये कैसे लगी मुझे? क्योंकि वो हुआ ही नहीं ना, और आप जो ये एक्टिंग कर रहे हैं इसका 150 रुपये कट तो जरूर होगा। तो आज का वीडियो जो था यही था। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा फैला दीजिए, क्योंकि मेरा पहले वाला जो वीडियो था वो तो YouTube ने टेक डाउन कर दिया। तो जो भी हो, मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन स्टे हेल्दी स्टे फिट।